यारों के यार और दोस्तों के दोस्त, क्या वास्तव में सही? बिल्कुल ठीक है। अब तक आप एक्शन मोड में दिखाई दीजिए, यानी कि अधिकारियों पे लेके कोई आपको सस्पेंड करना है या कहीं उनको थोड़ा सा प्रेशर बना के उनसे काम निकलवाना, तो क्या एक्शन मूड में कोई जरूरत नहीं है या फिर कभी एक्शन मूड में आना पड़ेगा? बिल्कुल एक्शन मूड में भी आएंगे। अहिर रेजिमेंट की मांग काफ़ी वर्षों से चली आ रही है और पूरा हिरवान क्षेत्र देख रहा है, रिवाड़ी भी इसमें इंक्लूड लगा लो, गुड़गांव तक लोग देख रहे हैं। ये प्रश्न बहुत अहम है, लोग यहाँ आते हैं, वोट लेते हैं, हम अहिर रेजिमेंट की मांग उठाएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं संसद में जाके भी वो मांग नहीं उठाते वो नेता और 5 साल पूरी करके चले जाते हैं। तो अहिरवान का अहम मुद्दा है कि रेजिमेंट नहीं बननी चाहिए, आप अर्ध सैनिक बने और कल्याण मंत्रालय आपके पास है। संविधान के अंदर कर दिया गया था कि जाति आधारित कोई नई रेजिमेंट नहीं बनेगी। राव इंद्रजीत सिंह अहिरवान के बहुत बड़े गद्दार नेता है, तो क्या आप उनके लंगोट या दोस्त हैं, यार हैं? मतलब अच्छी खासी गहरी दोस्ती आपने, मतलब कई जगह बात निकल जाती है बड़े नेताओं में, सब जगह आपके खासी अच्छी खासी दोस्ती है, अच्छी पड़ती है उनके साथ, आप उनका आशीर्वाद रहा है आपके हमेशा साथ, तो वास्तव में कुछ आशीर्वाद ज़्यादा रहा आपके साथ। ये उसी का प्रतिफल है कि उन्होंने ये समझा उचित के मेरे ये साथी जनता की जनप्रतिनिधि बनकर अच्छी तरह काम कर सकते हैं, उन्होंने मौका दिया, उसके लिए हम उनके धन्यवादी हैं। एम्स का मुद्दा है, उसको लेके बहुत बड़ी राजनीति होती रहती है, कभी बनेगा कभी नहीं बनेगा, तो उसके लिए मतलब वास्तव में ही लोगों को गुमराह तो नहीं किया जा रहा आपकी सरकार द्वारा या आपके द्वारा, भाई नहीं बनेगा तो क्यों नहीं बनेगा और बनेगा तो कितनी जल्दी आप प्रयास कर रहे हैं एम्स बनना चाहिए? एम्स की मंजूरी दे दी मलेठी के अंदर और उसके लिए बजट का प्रावधान भी कर, लूमड़ा के अंदर कॉलेज की तहसील की सीमा के अंदर तो बन चुका लेकिन सीमा में तहसील की मांग कर रहे हैं, तो ये आप मंत्री हैं और बाकी सभी यहाँ विधायक हैं, आपके पास पूरी पावर है। हम पूरे ज़िले में एक समान कार्य करवाने के लिए कटिबद्ध है, ना किसान को कोई ऐसी दिक्कत है, ना सरकार को कोई ऐसी दिक्कत है, ना पेमेंट में कोई ढील होने की वाली बात है, हम समय पर किसान की पेमेंट करने जा रहे हैं। आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज 24, जहां हर खबर मिले सच के साथ। स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पे, मैं हूं मुन्ना लामा, मेरे सहयोगी प्रिंस लामा के साथ हम मौजूद हैं नारनौल विधानसभा क्षेत्र में और मेरे साथ उपस्थित हैं ओम प्रकाश यादव, जिनके पास मंत्रालय भी हैं दो। काफ़ी दिन से इनसे डिमांड आ रही थी जनता की भी चारों तरफ से कि उनसे भी बातचीत की जाए, कई मेरे पास क्वेश्चन हैं जनता के भी हैं हमारे खुद के भी हैं, तो पहली बार इनसे हम रूबरू भी हो रहे हैं और इनके पास सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्री भी हैं ये और अर्ध सैनिक बल कल्याण मंत्रालय भी इनके पास है, तो वो भी पूछेंगे इनसे कई उन विषयों पे भी। तो सबसे पहले जी हरियाणा न्यूज़ 24 का बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सर। सबसे पहले क्वेश्चन हमारे बाद में होंगे, मैं एक बात जानना चाहूँगा आपका, अब मंत्री हैं दो दो मंत्रालय आपके पास, अब भी आपको ADO बोलते हैं, तो कहीं आपको दुख नहीं होता ADO की उपाधि छोटी, आप मंत्री बन चुके हैं, दोबारा जीत चुके हैं नारनौल से और अब भी लोग आपको ADO बोलते हैं, तो कैसे महसूस होता है? मतलब आपका परमानेंट पद कर दिया गया ADO का? नहीं, ये तो हमारे समाज के अंदर इस प्रकार का पैटर्न है कि जो एक बार बग पड़ जाता है लोग उसी को बोलते रहते हैं, और मुझे दुख नहीं, मुझे बल्कि खुशी होती है कि ये कोई ना कोई मेरा पुराना साथी है, पुराना भगत है, पुराना जानकार है जो ADO के नाम से पुकारता है। तो सर कभी थोड़ा सा पब्लिक बहुत ज़्यादा आती है आपके पास, तो कभी आपको गुस्सा भी आता होगा, इतने बड़े मंत्री बन चुके हैं अब भी ओम प्रकाश ADO, ओम प्रकाश यादव ADO, मतलब इस तरीके से, तो ये प्यार समझे या फिर क्या समझे आप? ये केवल और केवल प्यार है। तो कभी नाराज नहीं होती आपको? नहीं, ADO के पास ये उपाधि दे दी गई है। तो सर मैं आपसे हम क्वेश्चन करते हैं, पहला मंत्री बन चुके हैं दोबारा, जनता ने आपको इतना सहयोग दिया नारनौल की ने, और दो दो मंत्रालय आज आपके पास हैं, सैकुशल आपका सरकार भी अच्छी चल रही है, आप भी अच्छा कार्य कर रहे हैं जहाँ तक हमारी जानकारी है, तो क्या लग रहा है पिछली बार के मुकाबले इस बार आपको जो पद दिए गए हैं दो दो मंत्रालय, तो क्या ऐसे कार्य रह गए थे नारनौल के लिए, महेंद्रगढ़ के लिए, जो आप करवाना चाहिए कि आपकी प्रमुखता रहे? देखिए, विकास के काम कभी ख़त्म नहीं होते, लेकिन हमारी प्राथमिकता और हमारे इलाके की ज़रूरत
यहाँ सबसे पहले पानी की कमी है। हमारी प्राथमिकता ये रही है पिछले 5 साल में कि हम किस तरह से सिंचाई के पानी को बढ़ाएं, किस प्रकार से पीने के पानी की व्यवस्था करें, और लगभग हम ने जो प्रयास किए हैं उससे हमारी जनता संतुष्ट है। उनको लग रहा है कि हमारे जनप्रतिनिधि हमारे लिए ठीक काम कर रहे हैं। सर, एक बात बार बार निकल के सुनने को मिलती है, हम देखते भी हैं, ओम का शेड्यूल लोग बोलते हैं पीछे से भी, यारों के यार और दोस्तों के दोस्त, क्या वास्तव में सही है? बिल्कुल ठीक है। जब आप व्यवहारिकता में जिन लोगों में रहते हैं और उन लोगों की कोई टिप्पणी होती है तो ठीक होती है, चाहे वो यारों के यार कहें, चाहे वो पंचायती कहें, तो जैसा वो लोग महसूस करते हैं समाज में वैसी ही उनकी अभिव्यक्ति है। एक बात और निकलने को आती है, अभी हम मंत्री बन चुके हैं, दो दो मंत्रालय आपके पास, पहले जैसा पैटर्न अभी आप कहीं भी उतर जाते हैं, चाय पानी पीना, कहीं भी खाना खाने लग जाते हैं, कहीं भी बैठ के ओका पानी जैसे जो भी हो, तो क्या वास्तव में ये सच्चाई है या फिर जैसे मनगढ़ंत कहानी बना लेते हैं लोग? जैसे रास्ते रास्ते जा रहे हैं, बोलते हैं भाई रोको यहाँ पे, बैठेंगे चाय पानी पे बात करके फिर चलेंगे, क्या वास्तव में सच्चाई? ये मनगढ़ंत नहीं है, सच्चाई है। हम जिन लोगों के दम पर जीत कर आए हैं तो जैसा हम जीते थे उससे पहले जो हमारा व्यवहार था, हमारा स्वभाव था, हमें उसी प्रकार का अपने लोगों के बीच में रखना चाहिए, और वो हमने रख रखा है और लोग उसको ठीक महसूस करते हैं। तो सर, पानी की समस्या यहाँ विकट है, पानी की क्या समझे यहाँ पे? पानी तो नांगल चौधरी एरिया में, आपके नारनौल में लगभग पानी सूख सा गया है, तो कितनी प्रमुखता से जैसे पानी को आप लेके जितनी कार्रवाई कर पाएंगे, या फिर मतलब काफ़ी बड़ा टेंडर है, काफ़ी बड़ा बजट का काम है पानी लेके आना, तो लोगों का मेन फोकस रहेगा पानी पे, अगर पानी के नहीं है तो जीवन व्यर्थ है उसका, तो क्या मतलब क्या समझे कितने साल में ये आप पानी का बजट पास करवा के लेके आ पाएंगे? देखिए, बजट की कोई प्रॉब्लम नहीं है, बजट हम चाहें उतना खर्च करने के लिए तैयार हैं पानी की व्यवस्था को ठीक करने के लिए। और मैटर है कि पानी कहाँ से आए, तो सबसे पहले हम एसवाईएल का पानी कैसे आ सकता है उसकी व्यवस्था करने में लगे। उसके साथ साथ हमने और पानी की उपलब्धता कैसे बढ़ सकती है, हम वो सोर्सेज जनरेट करने के लग रहे हैं, और उसके लिए हमने 3 बांध उत्तराखंड में चिन्हित किए हैं, 2 के MOU हो चुके हैं, 3rd का MOU होना बाकी। जैसे ही ये 3ों के MOUs हो जाएंगे और ये बांध कंप्लीट होंगे, तो मैं समझता हूँ आज जितना पानी हमारे पास उपलब्ध है इतना ही पानी हरियाणा प्रदेश को और मिल जाएगा। सर, अच्छी बात है। सर, मैं एक बात और जानना चाहूँगा, अब आप मंत्री हैं महेंद्रगढ़ जिले में, अकेले 2 मंत्रालय आपके पास, पहले आपके पास जो दायित्व था उससे 4 गुना बढ़ चुका है। महेंद्रगढ़ विधानसभा आपके पास क्यों मंत्री आप रह चुके, इधर से आप अटेली लेके चले या नांगल चौधरी लेके चले, नारनौल में आप खोदें, तो इतना बड़ा मतलब आपके पास पूरा क्षेत्र बहुत बड़ा होगा, तो कहीं ना कहीं 4ों जो विधानसभाएं हैं इनका काम आप पे डिपेंड है, आपके कंधे पे पूरा भार है, तो किस तरीके से देखे जनता, क्या कहीं थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव रहेगा या एक समान कार्य होंगे आपके माध्यम से? हम पूरे ज़िले में एक समान कार्य करवाने के लिए कटिबद्ध है, हमारे मुख्यमंत्री जी इस बात के लिए कटिबद्ध है कि पूरी स्टेट में सबको समान विकास हो, सबको समान हक मिले और सभी हलकों में एक समान कार्य हो। इसी पैटर्न पर हम अपने ज़िले में भी समान कार्य करेंगे और सबको समान लेकर चलेंगे। सर, एक बात और जानना चाहूँगा, अभी कई मंत्री देखते हैं हम एक्शन मूड में हैं, जैसे हमारे गृह मंत्री जी अनिल विज जी, काफ़ी प्रेशर है, लेकिन अब तक आप एक्शन मोड में दिखाई नहीं दिए, यानी कि अधिकारियों पे लेके कोई आपको सस्पेंड करना है या कहीं उनको थोड़ा सा प्रेशर बना के उनसे काम निकलवाना, तो क्या एक्शन मूड में कोई ज़रूरत नहीं है या फिर कभी एक्शन मूड में आना पड़ेगा आपको?
अगर कोई अधिकारी, कोई विभाग कहीं कोई कोताही करेंगे, कभी करेंगे, तो बिल्कुल एक्शन मोड में भी आएंगे, हमारी चारों तरफ निगाहें हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि हमारे यहाँ लगभग कार्य ठीक चल रहे हैं। जहाँ कहीं हम कमी देखेंगे उस समय देखेंगे सब बात। अभी सिरसम की विकृत चल रही है सर, पूरे महेंद्रगढ़ जिले में कहीं ना कहीं सिरसम में और गेहूँ में कोताही बरती जा रही है। कहीं किसी की बिक नहीं रही है, किसी पर मंडियों में सैड नहीं है, अनाज बिक रहा है बाहर लोगों का, किसी का बिल नहीं पास हो रहा है, किसी का टोकन नहीं हो रहा। तो अभी सारे अधिकारी भी देख रहे हैं, उन लोगों को खासकर क्या कहेंगे, किसान पे सब कुछ आधारित है, तो क्या निर्देश देंगे उन लोगों को? किसानों के साथ बिल्कुल तुरंत से कार्रवाई होनी चाहिए, उनका तुरंत अनाज बिकना चाहिए। और पैसों के लिए भी पूछना चाहूँगा, खाते में कितनी जल्दी किसानों के पैसे आप जैसे अपने सहयोग से कितनी जल्दी डलवाने का कार्य करें? देखिए, हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने एक पहल करके कि किसान की जो जींस की खरीद है उसको ऑनलाइन किया है। और जब से ये पिछले 3-4 साल से ऑनलाइन किया है, जो कमियां पहली साल हमें महसूस हुई, किसान के सामने दिखते आई, विभाग के सामने दिखते आई, वो दूसरी साल नहीं रही, दूसरी साल थी वो तीसरी साल नहीं रही। और मैं समझता हूँ इस साल उसमें से बहुत सी खामियाँ दूर हो गई हैं, और अब ना किसान को कोई ऐसी दिक्कत है, ना सरकार को कोई ऐसी दिक्कत है, ना पेमेंट में कोई ढील होने की वाली बात है। हम समय पर किसान की पेमेंट करने जा रहे हैं, बढ़िया ढंग से किसान की जींस की बिक्री हो रही है और सबका रजिस्ट्रेशन हो गया है। अगर कोई भाई रजिस्ट्रेशन नहीं करवा पाया समय पर, तो उसका रजिस्ट्रेशन भी हम अब भी हमने पोर्टल खोल रखा है, और मैं समझता हूँ कहीं कोई दिक्कत। सर, एक अहम मुद्दा है अहिरवाल को लेके, वो काफ़ी वर्षों से चला आ रहा है। अब आपके पास मंत्रालय भी हैं, और जो मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ वो मंत्रालय भी आपके पास हैं, आप अग्रणी भूमिका निभा सकते हैं। बहुत बड़े बड़े नेता आए अहिरवाल के यहाँ पर आपके क्षेत्र में, और बड़े बड़े वादे भी किए उन्होंने, हम कर देंगे। अब तक अहिर रेजिमेंट की मांग काफ़ी वर्षों से चली आ रही है, और पूरा अहिरवाल क्षेत्र देख रहा है, रिवाड़ी भी इसमें इंक्लूड लगा लो, गुड़गांवा तक लोग देख रहे हैं। ये प्रश्न बहुत अहम है, लोग यहाँ आते हैं, वोट लेते हैं, हम अहिर रेजिमेंट की मांग उठाएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं संसद में जाके भी वो मांग नहीं उठाते वो नेता, और 5 साल पूरी करके चले जाते हैं। तो अहिरवाल का अहम मुद्दा है कि रेजिमेंट नहीं बननी चाहिए, आप अर्धसैनिक बने, और कल्याण मंत्रालय आपके पास है, तो ये फौज से ही आर्मी से ही जुड़ा हुआ है ये भी प्रश्न, तो आप इसके लिए कि क्या प्रमुखता निभाएंगे? बहुत गौर से पूरे हरियाणा प्रदेश की जनता देख रही है। देखिए, आज़ाद हिंदुस्तान के अंदर इस बात का संविधान के अंदर कर दिया गया था कि जाति आधारित कोई नई रेजिमेंट नहीं बनेगी, और उसकी चपेट में अहिर रेजिमेंट भी आ गई। अंग्रेजों ने अहिर रेजिमेंट इसलिए नहीं बनाई कि अहिर पलटने जो उस समय थी, उन्होंने अंग्रेजों का समय समय पर विरोध किया, इसलिए उनकी बात तो वाजिब थी ना बनाना। लेकिन अहिर रेजिमेंट बननी चाहिए थी, लेकिन जब संविधान के अंदर आज़ाद हिंदुस्तान में ये फैसला कर दिया गया कि जाति आधार पर कोई नई रेजिमेंट नहीं बनेगी, इस बात का नुकसान अहिर रेजिमेंट को हो रहा है। और देखो इसका क्या समाधान होता है, समय समय पर जब भी कोई ऐसा मंच होता है तो वहाँ इस बात की मांग उठती रहती है, हमने भी उठाई है, लेकिन हमें सफलता उसमें अभी मिलती हुई नज़र नहीं आ रही। अब हम इस मोड पर भी आ गए कि अगर अहिर रेजिमेंट ना बने तो अहिरवाल रेजिमेंट बढ़ जाए, क्षेत्र के नाम से बढ़ जाए। जैसे राजपूत रेजिमेंट अलग है और शेखा वाटी अलग है, तो उस आधार पर हमने पैरेलल ये बात भी चलाई, ये समानांतर कि अहिरवाल रेजिमेंट हो गए, वो किसी एक जाति की नहीं, इस इलाके में रहने वाले 36 जाति के लोग अहिरवाल क्षेत्र के कहलाते हैं, और सभी का समान हक पड़ेगा उसके अंदर। तो मांग बिल्कुल वाजिब है, इसको समय समय पर हम उठाते रहते हैं, कब सुनाई होती है वो समय बताएगा। देखिए, अपनी तरफ से आप पूरी कोशिश बरकस प्रयास करेंगे,
आपके जो मंत्रालय हैं उनका भी आप पूरा सोर्स भी लगा के आप कोशिश करेंगे कि अहिर अजमेर बननी चाहिए। बिल्कुल, मैंने कहा कि अंग्रेज़ों की हुई जाति आज आज़ाद हिंदुस्तान में भी अहिर अजमेर झेल रही है, जो कि गलत है, ये अरेंजमेंट बननी चाहिए। सर एक बात मैं और जानना चाहूँगा, आपके क्षेत्र का तो मुद्दा नहीं है लेकिन बिल्कुल आपके क्षेत्र से ही छटा हुआ है और आप मंत्री हैं, इस वजह से आप पे पूछने का हमारा हक है और वो बात हम आपसे ज़रूर पूछेंगे। एम्स का मुद्दा है, बिल्कुल बीच मिनट का रास्ता है, नानोल से एम्स जहाँ हम जाते हैं तो अच्छा सड़क मार्ग है और बन भी रहा है बहुत बड़ा सड़क मार्ग, 20 मिनट का रास्ता है यहाँ से, उसको लेके बहुत बड़ी राजनीति होती रहती है, कभी बनेगा कभी नहीं बनेगा, कभी फॉरेस्ट विभाग का, कभी वहाँ प्रदर्शन करना पड़ता है लोगों को। अभी पीछे कुछ दिन पहले लॉकडाउन से पहले प्रदर्शन चल रहा था, पता नहीं कहाँ कहाँ से बातें निकल जाते हैं, लोग सड़कों पर बैठ जाते हैं, तो उसके लिए मतलब वास्तव में ही लोगों को गुमराह तो नहीं किया जा रहा आपकी सरकार द्वारा या आपके द्वारा, भाई नहीं बनेगा तो क्यों नहीं बनेगा और बनेगा तो कितनी जल्दी आप प्रयास कर रहे हैं, एम्स बनना चाहिए और सबके बीच में होता है एम्स। देखिए एम्स हमारे इलाके के लिए, इस पूरे दक्षिणी हरियाणा के लिए एक जीवन रेखा के रूप में कुंडोर मेठी का एम्स काम करेगा। भारत सरकार ने हरियाणा सरकार की रिकमेंडेशन पर एम्स की मंजूरी दे दी मणिठी के अंदर और उसके लिए बजट का प्रावधान भी कर दिया, लेकिन जब मौके पर आए तो वहाँ कुछ ज़मीन के अंदर फॉरेस्ट से संबंधित कुछ दिखते हैं मिली और वो ज़मीन पूरी नहीं बैठ रही। कोई बात नहीं, हम उसके आजू बाजू से ज़मीन को जोड़कर उसको पूरा करने के प्रयास में हैं। जहाँ तक संबंध है उसकी मंजूरी का, वो हरियाणा सरकार की रिकमेंडेशन पर आदरणीय मोदी जी ने आज से 1 साल पहले घोषणा कर दी थी और बजट का भी प्रावधान कर दिया था। सर बहुत अच्छी बात है, आप कोशिश कर रहे हैं और लगातार जारी भी है, ये अहिरवाल के बहुत अहम मुद्दे हैं, अगर आपके प्रयास से हो पाते हैं तो कहने की सार्थक होगा अहिरवाल क्षेत्र के लिए भी। सर मैं एक बात और जानना चाहूँगा, अभी आप मंत्री है तो जब आपने चुनाव लड़े, दोबारा आप चुनाव लड़ चुके हैं और जीते हैं और काफ़ी अच्छे खासे वोटों से, तो जब आप चुनाव लड़ रहे थे उसमें क्या आपको लग रहा था हाँ आपकी बार मैं फाइट करके अच्छे वोटों से जीत रहा हूँ, या फिर ऐसा कभी किसी मोड़ पे आपको ऐसा लगा नहीं आपकी बार जनता मुझे सहयोग नहीं दे पाएगी और कहीं ना कहीं मैं नैया पार हमारी नहीं लग पाएगी आपकी बार, या फिर आपने पहले ही आश्वस्त हो चुके थे हाँ आपकी बार भी मैं जीत रहा हूँ यहाँ से? हम पूरी तरह से आश्वस्त थे कि जनता हमें दोबारा से जिताएगी, जनता हमारे साथ है और साथ रहेगी, क्योंकि वो कहा करते हैं पूत के पाव पालने दिखते हैं। इर्द गिर्द के सभी क्षेत्रों में उस क्षेत्र से संबंधित नुमाइंदों के प्रति कोई न कोई बातें उठती रहती थी। इनके बीच में केवल हमारा नारनौल क्षेत्र ऐसा था जो हमारे प्रति कोई किसी प्रकार की खिलाफत, कोई बुराई, कोई बात निकलकर नहीं आ रही थी, तो उससे हम और हमारे साथी एकदम आश्वस्त थे कि क्षेत्र की जनता हमारा एक बार फिर साथ देने के लिए तैयार है। सर एक बार आप कपड़ा मुंह से हटा सके ताकि हमारे हरियाणा प्रदेश के लोग देख सके, जो आपको नहीं जानते वो भी जान सके। सर अभी कॉलेजों को लेके एक दो जगह अड़चन चल रही है, जैसे नूमड़ा के अंदर कॉलेज की तहसील की सीमा के अंदर तो बन चुका है लेकिन सीमा में भी तहसील की मांग कर रहे हैं, तो ये आप मंत्री हैं और बाकी सभी यहाँ विधायक हैं, आपके पास पूरी पावर है, तो किस तरीके से इन लोगों को देखते हैं आप? क्षेत्र आपका पूरा मेहनतगढ़ जिला है अभी फिलहाल और आपके अंडर आता है, आप जो करेंगे वो फाइनल होगा। देखिए इनके अपने अपने नॉर्म्स होते हैं, कॉलेज 20 किलोमीटर की दूरी में, एक कॉलेज से दूसरे के कॉलेज के बीच में कम से कम 20 किलोमीटर की दूरी हो, इसी तरह तहसील के भी अपने कोई नॉर्म्स हैं, इतनी आबादी हो, इतने गाँव हों, इस तरह से, तो उसके ऊपर सरकार सर्वे करवा रही है, जहाँ जहाँ से जो मांग आ रही है, हमारे यहाँ दोंगड़ा की मांग है, सीमा गांव की मांग है, दोनों के ऊपर सरकार अपने एंगल से
सर्वे करवा रही है और जिसका फिजिबल होगा वहाँ सरकार मंजूर कर देगी। तो सर राव इंद्रजीत सिंह अहिरवाल के बहुत बड़े गद्दार नेता है, तो क्या आप उनके लंगोटिया दोस्त हैं, यार हैं? मतलब अच्छी खासी गहरी दोस्ती आप में, मतलब कई जगह बात निकल के आती है बड़े नेताओं में, सब जगह आपके खासी अच्छी खासी दोस्ती है, अच्छी पड़ती है उनके साथ, आप उनका आशीर्वाद रहा है आपके हमेशा साथ, तो वास्तव में कुछ आशीर्वाद ज़्यादा रहा आपके साथ। देखिए राव इंद्रजीत सिंह जी इस इलाके के कद्दावर नेता हैं और इलाके के विकास में उनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि का बहुत अहम रोल है, चाहे आज़ादी से पहले का, चाहे आज़ादी के बाद का, चाहे इनका पिता श्री के टाइम में, कंबाइंड पंजाब के टाइम में, और चाहे हरियाणा बनने के बाद। और हमें उनके लिए, उनके साथ रहकर, उनके सहायक रहकर कार्य करने का अच्छा खासा मौका मिला, और उसके बाद अब जब समय आया तो उन्होंने हमें एक जनप्रतिनिधि के रूप में मौका दिया, ये उनकी अपनी परख थी। लेकिन उनके साथ लंबे समय कार्य करने का उनके सानिध्य में हमें अवसर मिला है, और ये उसी का प्रतिफल है कि उन्होंने ये कहीं समझा उचित के मेरे ये साथी जनता की जनप्रतिनिधि बनकर अच्छी तरह काम कर सकते हैं, उन्होंने मौका दिया, उसके लिए हम उनके धन्यवादी हैं। सर एक बात और जानना चाहूँगा, हम मंत्री हैं अच्छी बात है, तो अभी तो मेरा आखिरी क्वेश्चन ही रहेगा, जैसे एक समान लेके चले हैं सभी जो आपके विधायक हैं चारों विधानसभा, एक तो ये रहेगा सारे जो जो MLA हैं वो आपके घनिष्ठ हैं, सबको साथ मिला के काम लेके चल रहे हैं आप, या फिर कुछ थोड़ा बहुत उनके साथ मतभेद है, या फिर 19-20 भी रहेगा? एक प्रश्न और रहेगा हरियाणा प्रदेश की जनता को, ये और बता दीजिए महेंद्रगढ़ की चारों विधानसभा जो आपके अधीन आती हैं, ग्रीन जोन में है और रिवाड़ी भी ग्रीन जोन में है, लॉकडाउन में पूरा भारत त्रस्त है, पर तो यहाँ की जो आबादी लाखों में है दोनों जिलों में, वो कहीं ना कहीं सेफ है और बिल्कुल स्वस्थ है, ये और बता दीजिए। ये बहुत खुशी की बात है कि हमारे दोनों ज़िले, विशेषकर अहिरवाल क्षेत्र जो कहलाता है, वो इस कोरोना की बीमारी से मुक्त है। इसके कई कारण हो सकते हैं, सबसे बड़ा कारण तो मैं इसका ये मानता हूँ कि ये इलाका सर्विसमैन और एक्स सर्विसमैन फौजियों का इलाका है, और यहाँ के लोग डिसिप्लिन्ड हैं, और इसके अंदर डिसिप्लिन का, आइसोलेशन का, जिस प्रकार से सरकार की हिदायतें आती थी उनका अच्छी तरह से इन लोगों ने पालन किया, एक तो ये कारण हो सकता है। यहाँ का खान पान की भी बात हो सकती है, खान पान भी यहाँ का सूखा है, इलाका सूखा है, लाल मिर्च और लहसुन की चटनी खाने वाले लोग हैं, आपकी भी फेवरेट है, प्याज खाने वाले लोग हैं, तो और भौगोलिक दृष्टि से भी इस इलाके का, ये रेतीला इलाका है, सूखा है, ज़्यादा पानी नहीं है, अनेकों कारण हो सकते हैं। इसके ऊपर एक मैं तो कहता हूँ रिसर्च होनी चाहिए कि ये इलाका कोरोना मुक्त क्यों है और इलाकों से भिन्न क्यों है। तो सर अभी जनता को क्या कहेंगे, महेंद्रगढ़ की जनता का काफ़ी सहयोग रहा है, लॉकडाउन में अपना पूरा फर्ज अदा किया है, तो क्या देंगे, क्या कहेंगे उनको, क्या शुभकामनाएं, क्या? महेंद्रगढ़ की जनता एक एक व्यक्ति के धन्यवादी हैं कि उन्होंने सरकार द्वारा जारी हिदायतों का पूर्णतया पालन किया और आगे कर रहे हैं, और इसी की वजह है कि यहाँ कोरोना का अटैक नहीं आ सका। इसके लिए हम अपने एक एक नागरिक से, एक एक व्यक्ति से खुश तो है ही हैं, हम उनका धन्यवाद भी करना चाहते हैं। तो सर इसमें अपने जो डॉक्टर्स हैं, नर्सिस हैं,
हमारी यहाँ पुलिस स्टाफ है, बिगे डंडा मारे, उन्होंने सही तरीके से पूरे चारों विधानसभा में कहीं ऐसी कोई घटना नहीं आई जिसको कोई पीटा गया हो, रोका गया हो, लेकिन अपना फर्ज अच्छी के तरीके से निभाया। कहीं नहीं कि हमने देख, हम भी नज़र बनाए हुए थे लगातार, यहाँ कुछ सब जगह चिटपुट घटनाएं हो रही थी। मैंने कहा कि चाहे हमारे सफाई कर्मचारी हों, चाहे हमारे पुलिसकर्मी हों, और चाहे मेडिकल और पैरामेडिकल के अधिकारी कर्मचारी हों, उन सब का बहुत बढ़िया रवैया और बहुत बढ़िया उन लोगों ने सेवा दी है। ये आप बिल्कुल ठीक कहते हैं कि यहाँ ऐसी कोई घटना सुनने में नहीं आई कि इन तीनों कैटेगरियों में किसी का व्यवहार अशोभनीय रहा हो। तो क्या अभी लॉकडाउन के बाद बहुत बड़ा एक इनको सम्मानित भी करने वाले आप? बिल्कुल, हम इन तीनों कैटेगरीज को लॉकडाउन जैसे ही समाप्त होगा अच्छी तरह से किसी बड़े मंच के माध्यम से इनको सम्मानित करने का विचार रखते हैं। तो सर आखिर में हरियाणा प्रदेश की जनता को और अहिरवाल क्षेत्र की जनता को क्या कहेंगे? हरियाणा प्रदेश की जनता मेहनती जनता है, यहाँ का किसान मेहनती है, यहाँ का व्यापारी मेहनती है, यहाँ का मजदूर मेहनती है, और मैं समझता हूँ कि पूरे देश में हरियाणा प्रदेश इस नाम से विख्यात भी है। और जब हरियाणा प्रदेश की बात को लेते हैं इसके अंदर की, तो उसके अंदर दक्षिणी हरियाणा, ये उसके अंदर और भी करवट है, चाहे इनकी भौगोलिक स्थिति की वजह से, चाहे ये कुछ भी कह लीजिए, लेकिन हमारे प्रदेश की जनता बड़ी कर्मठ है, उसके लिए हम प्रदेश के एक एक व्यक्ति के धन्यवादी। तो थैंक यू साहब हमारे साथ बातचीत के लिए, आपका आपने समय निकाला कीमती, इसके लिए हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ ये ओम प्रकाश यादव जी जो कोरोना के फाइटर में उनको पूरा सहयोग किया है, लॉकडाउन के बाद उनको बहुत बड़े लेवल पर सम्मानित भी किया जाएगा, और अहिरवाल के जनता जो चारों विधानसभा हैं वो एक समान उनके साथ हम बढ़ चढ़ के उनके साथ काम करेंगे, कोई भेदभाव किसी प्रकार का नहीं रहेगा। तो इन्हीं सब बातों के साथ मैं मुन्ना लांबा मेरे सहयोगी प्रिंस लांबा के साथ हरियाणा न्यूज़ 24, नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हरियाणा न्यूज़ 24, जहां हर खबर मिले सच के साथ।